आगे बढ़ेंगे देशहित में। अब बात होगी भारत और अमेरिका की दोस्ती की, जो इन दिनों उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। अमेरिका कभी भारत से नाराजगी जताता है तो कभी उसे अपना करीबी दोस्त बताता है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका उम्मीद कर रहा था कि भारत रूस के खिलाफ उसका साथ देगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया था कि भारत की वजह से क्वाड रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका का पार्टनर है, यानी भारत अमेरिका के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। और अगर भारत के स्टैंड की यहां पर बात की जाए तो आप जानते हैं भारत किसी भी तरह के दबाव में आएगा इस बात के संकेत कभी भारत की तरफ से नहीं देगी, और भारत कभी भी किसी तरह के दबाव में आया भी नहीं है। इससे पहले आप ईरान के खिलाफ जब सैंक्शंस आए थे वो भी आप याद कर लें, या फिर अब रशिया को जिस तरह से रशिया के खिलाफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ आने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके भारत ने जो रशिया के साथ पुराने ट्रेडिशनल टाइज हैं उन टाइज पर किसी तरह का समझौता, उन रिश्तों पर किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। हालांकि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत की बात करें तो उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत हुई है और उनके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात हुई है। और यूएन में अगर भारत के स्टैंड की बात की जाए तो भारत बार बार इस बात को दोहराता रहा है कि वो बुद्ध का देश है और वो दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन जब दोस्ती का सवाल आता है, दोस्ती पर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क लगता है तो भारत को दोस्ती निभाना भी भारत को अच्छे तरीके से आता है। और अब आपको बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का किस तरह से वेलकम किया गया परमाणु धमकी से। सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा धमाका, पुतिन का परमाणु प्लान आउट। पुतिन का बम, दुनिया का निकला दम। They've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with absolute certainty. It's, as you all know, it's almost impossible to stop. Putin ka parmanu ultimatum. Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты परमाणु धमकी से बाइडेन का वेलकम। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, खासतौर पे मैं ये जानना और समझना चाहती हूँ कि क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप बहुत खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ पाते हैं। अभी सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कुछ ऐसी हालत है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भारत को लेकर। मिसाइलें गरज रही हैं, बम बरस रहे हैं, रणभूमि यूक्रेन में प्रचंडवार पलटवार हो रहा है। कीव से लेकर खारकीव और मरियुपोल तक तबाही मची है। जंग शुरू हुए करीब एक महीने का समय बीतने जा रहा है, लेकिन पुतिन की सेना अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी जंग जारी है। दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषाएं बन रही हैं और बदल रही हैं। रूस की हार में अपनी जीत देखने वाला अमेरिका हर दिन नई चाल चल रहा है। अमेरिका रूस से सीधा सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन वो रूस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए अमेरिका को चाहिए ऐसे दोस्त जो उसके साथ मिलकर रूस का सामना कर सकें। अमेरिका और भारत की दोस्ती भी महायुद्ध के बाद नए दौर से गुजर रही है। अमेरिका कभी भारत से नाराज होता है तो कभी वो भारत के साथ दोस्ती का दम भरता है। हम आपको भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव का पूरा कूटनीतिक गणित समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस का ये बयान देखिए।
क्वाड में भारत के स्थान के बारे में और भारत के साथ अपने रिश्ते के संदर्भ में हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए एक अनिवार्य मित्र है, जिसके साथ मिलकर हम मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम भारत के साझेदार हैं, हमारे साझा हित हैं। हम मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक के निर्माण में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐतिहासिक संबंधों के बावजूद हम भारत के लिए पसंद के साझेदार हैं। दुनिया में हमारे कई अन्य दोस्त और सहयोगी भी ऐसे ही हैं। यानी अमेरिका भारत को अपना भरोसेमंद दोस्त और साझेदार मानता है, एक ऐसा दोस्त जो पार्टनर ऑफ चॉइस है। यानी भारत और अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत है, उनके हित साझा हैं और वो एक दूसरे का साथ देते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महायुद्ध के बीच रूस के प्रति भारत के दोस्ताना रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी। We presented a united front throughout NATO and in the Pacific. The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so has Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. We presented a united front throughout NATO and the Pacific. इसके बाद अमेरिका के सुरपतले और उसकी झलक नेट प्राइस के बयान में देखने को मिली। दरअसल महायुद्ध शुरू होने के बाद जहां अमेरिका ने यूक्रेन का पक्ष लेकर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का चक्रव्यूह तैयार किया, तो वहीं भारत ने रूस के साथ दोस्ती का तकाजा निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।